हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। तो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि अमेजन का अपना ऐप है, फ्लिपकार्ट का अपना ऐप है, वॉलमार्ट का अपना ऐप है, तो एक तरीके से ये किस तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, क्या इनका काम होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आना है आपको कॉमर्स की पाठशाला में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है, इसे दबाना है ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, इग्नू बीकॉम में जाना है, और ये 119 रुपए का जो फी है, जिस तरीके से आप ट्यूशंस करते हैं उसी तरीके से ये फी आपको पे करना है यहाँ पे ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके। और इसके बाद आपको यहाँ मोर अबाउट पर्क्स में जाकर के यहाँ व्हाट्सएप का लिंक आपको शो करेगा, आपको हमें ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जो भी आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। और साथ ही साथ लो कॉस्ट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे अगर आप हमसे लेते हैं। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सेवा और ऑन डिमांड लेक्चर की सेवा भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जब भी आप स्टडी करें तो हमारे प्लेलिस्ट में आए, इग्नू बीकॉम न्यू नाम से ये प्लेलिस्ट है। इसमें आपको इग्नू बीकॉम का जो नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, अलॉन्ग विद वेरियस ऑफ वीडियोस, जिसको देख करके, पढ़ करके, सुन करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है कॉमर्स ई पाठशाला bcom.blogspot.com। यहाँ पे आएंगे तो आप हमको हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे। यहाँ पे यूट्यूब लेक्चर्स का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो कोर्स का नाम है ये ब्लू कलर से आपको शो करने लगेगा कुछ दिन बाद, क्योंकि यहाँ पे भी मैं नोट्स डालने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर्स को डालने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि है फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द सीन्स of an online store which making it likely to effortlessly administratively stock, add or remove products, compute taxes and the whole thing else required to help, to handle a website and accomplish orders. The basic functions of e-commerce software includes the following three important sections. देखो, तो e-commerce जो software है इसका मतलब है कि आप e-commerce एक website चला रहे हो, है ना। अब आप जब ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो तो आप अपने वहां पे प्रोडक्ट को बेच रहे हो, प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट को लाइक उसका जो इन्वेंट्री है वो चेक कर रहे हो, आप कंप्यूट टैक्सेस को कंप्यूट कर रहे हो, यू नो कैलकुलेट कर रहे हो कि कितने पैसे आपको जो है देने हैं एज ए टैक्स। ये सारी की सारी चीजें जो है एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर जो है वो करता है जब आप यहाँ पे यू नो इसके फंक्शंस की बात करते हो। तो इनके फंक्शंस को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे देखो, इसका मैं थोड़ा ग्रीन कर लेते हैं। इसके तीन फंक्शन है देखो यहाँ पे। सबसे पहला है कैटलॉग डिस्प्ले। जैसे आप अपने अमेजन के वेबसाइट पे जाओगे, देखना देखना वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो एक तरीके से डिस्प्ले हो रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए का है, इसके ये फीचर्स हैं वगैरह वगैरह। तो कैटलॉग डिस्प्ले वहाँ पे किया जा सकता है। साथ ही साथ शॉपिंग कार्ट कैपेबिलिटीज वहाँ पे होती है। आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया उसको आप अपने कार्ट में डाल दो, है ना। और कार्ट में डालने के बाद जो प्रोडक्ट आपको पसंद आया, जो आपको खरीदना है, उसको आप ट्रांजेक्शन उसकी प्रोसेसिंग कर दो, आप वहां पे उसको खरीद लो तो उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, राइट। तो इनका मेन तीन फंक्शंस होते हैं कस्टम ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के। तीन यहाँ पे मेन फंक्शंस होते हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहला था यहाँ पे कैटलॉग डिस्प्ले, राइट। So to display products offered by an organization, they have to be arranged in a systematic manner, include customer preferences with the help of simple static catalog, है ना। तो एक तरीके से जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन जब किसी प्रोडक्ट को ऑफर करती है तो आप उसको यू नो सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करते हो, और आप अपने वेबसाइट पर जाकर के उसको चिपका देते हो, वेबसाइट पे आप उसको दिखाते हो, राइट, ताकि कस्टमर जो है ठीक तरीके से समझ सके, जो आपका कैटलॉग है उसको वो देख करके समझ पाए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस चीज के बारे में है और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो कैटलॉग डिस्प्ले का मतलब ये होता है, द वेब पेज इज रिटन इन HTML टू डिस्प्ले अ सीरीज ऑफ वेब पेजेस व्हिच, क्या हो रहा है यार, शिट, ठीक है, वेब पेजेस व्हिच कैन बी एडिटेड, जिसको बाद में एडिट किया जा सकता है बाय कंपनीज एंड व्हेन नीडेड।
तो ये जो वेब पेजेस होते हैं ये HTML के ऊपर बनाए जाते हैं, और HTML के जो वेब पेजेस होते हैं उनको जब मर्जी चाहो, जब आपको जब आपको जरूरत है उस पेज को एडिट करने की, डिलीट करने की, तो वो सारी की सारी ऑप्शन जो है आपको वहां पे दिख जाती है। जब आपको जरूरत होती है तब वो चीजें आप कर पाते हो। डायनामिक कैटलॉग स्टोर्स दैट आर स्पेशली डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर चॉइस इंक्लूडिंग मल्टीपल फोटोज ऑफ ईच आइटम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सर्च फीचर दैट अलाउज द कस्टमर इजिली सर्च प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, है ना। तो जो डायनेमिक कैटलॉग होता है स्टोर का, वहां पे आप जाकर के अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो, और जो भी चीजें आप चेक करोगे देखना उसी चीज को जो है बार बार आपको कैटलॉग में शो करेगा, उसी चीज को बार बार आपको स्क्रीन पे शो करेगा। तो वो एक तरीके से आपको एनकरेज करता है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदो। तो यहाँ पे एक तरीके से जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं आपको, मल्टीपल फोटोज प्रोवाइड कराए जाते हैं सेम प्रोडक्ट के, मल्टीपल फोटोज, ताकि आप देख करके प्रोडक्ट के दाएं बाएं क्या क्या उसके फीचर्स हैं वो भी समटाइम्स प्रोडक्ट के साथ वहाँ पे दिखाई जाती है। सर्च फीचर भी वहाँ पे रहता है ताकि आप सर्च कर सको, अगर आपको कोई डाउट है इस प्रोडक्ट को लेकर के तो जो सिमिलर प्रोडक्ट किसी और कंपनी का है आप उसको सर्च कर सको, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वो सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से कैटलॉग डिस्प्ले के माध्यम से जब आपको कराया जाता है वेबसाइट पे, आई मीन ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर पे, तो आप कर सकते हो। डायनामिक कैटलॉग स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, आई हेट दिस यार, अ डायनामिक कैटलॉग स्टोर्स इन इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस यूजुअली ऑन अ सेपरेट कंप्यूटर दैट इज एक्सेसिबल टू द सर्वर दैट इज रनिंग द वेबसाइट इटसेल्फ, है ना। तो ये जो डायनामिक कैटलॉग है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है डेटाबेस में जाकर के स्टोर होती है, जो कि एक कंप्यूटर में जाकर के बोल सकते हो कि स्टोर होता है, जो कि एक वेबसाइट को वहां पे चला रही होती है, राइट। तो वेबसाइट का डेटा जहाँ स्टोर हो रहा है, एक तरीके से जो डायनामिक कैटलॉग है उसका भी इन्फॉर्मेशन वहीं पे जाकर के स्टोर हो रहा है, जो कि आपको आपके जो जो आपकी खरीदने का जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीजें जो है वो लोग करते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है शॉपिंग कार्ट कैपेबिलिटी। अब आपने जब कैटलॉग डिस्प्ले पे जाकर के अपने प्रोडक्ट को देख लिया, तो आप अपने प्रोडक्ट को क्या किया, कैटलॉग में डाल दिया, जो कैटलॉग होता है सॉरी कार्ट में डाल दिया। जैसे आप सामान लेने जाते हो बिग बाजार में या कहीं पे, तो देखना आपके पास एक होता है ना ट्रॉली, जिसमें उसको कार्ट ही बोलेंगे एक तरीके से, तो वहां पे जो भी खरीदना है आप उसको उसमें डाल देते हो और जाकर के बाद में चेकआउट कर लेते हो। तो उसी तरीके से शॉपिंग कार्ट कैपेबिलिटीज का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट को पसंद करने के बाद आपने उसको अपने कार्ट में डाल दिया। तो ये जो चीजें जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं वेबसाइट्स के थ्रू, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो शॉपिंग कार्ट कैपेबिलिटी, सो सेलेक्टेड आइटम्स इन द अर्ली डेज ऑफ ई कॉमर्स, Selected items in the early days of e-commerce, they have to fill a norm or a list they want to purchase by filling out online forms. है ना? देखो पहले के टाइम पे क्या हो रहा था ना, अर्ली डेज में जब हम ई कॉमर्स चलाते थे तो आपको एक तरीके से फॉर्म दिया जाता था, आपको उस फॉर्म में लिखना पड़ता था कि आपको क्या क्या चीजें खरीदनी है, ठीक है, एक लिस्ट आपको बनाना पड़ता था। अभी भी जब हम ऑफलाइन मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो एक लिस्ट बना करके जाते हैं ना कि हमें ये चीजें खरीदनी है, आप वहां पे जाते हैं और जो स्टोर वाला होता है वो आपको सारी चीजें निकाल करके दे देता है, राइट। तो ये चीजें जो है नॉर्मली जनरली ट्रेडिशनली होती आई हैं आज तक, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट पे एक फायदा आपको है कि वहां पे आपको जो है एक कार्ट मिलेगा जो कि इनविजिबल होगा, आप उस कार्ट पे अपने प्रोडक्ट को डाल लो और चेकआउट के टाइम पे आप पैसे पेमेंट कर लो और चले जाओ, सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये चीज जो है पहले ऐसा होती थी, ये बात यहाँ पे बताई गई है, यूजिंग टेक्स्ट बुक एंड लिस्ट लिस्ट बॉक्स फ्रॉम द कंट्रोल्स टू इंडिकेट देयर चॉइसेस, यूजर्स एंटर द क्वांटिफाई ऑफ एन आइटम इन द क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स, द एसक्यू स्टॉक कीपिंग यूनिट और प्रोडक्ट नंबर इन द अनदर टेक्स्ट बॉक्स एंड इन द यूनिट प्राइस इट गेट अनदर टेक्स्ट बॉक्स, दिस सिस्टम इज फुल ऑफ हैसलेस स्पेशली इफ योर ऑर्डर नेचर इज मल्टीपल आइटम्स एट द सेम टाइम, है ना। तो शॉपिंग कार्ट कैपेबिलिटीज आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड करानी होती है, कराई जाती है जो आपका ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है वहां पे थ्रू। जैसे कि सपोज आपको, जैसे कि मैं वेबसाइट पे जा रहा था बिग बाजार की, तो वहां पे सपोज मुझे प्याज खरीदने हैं, तो प्याज वहां पे सपोज 45 रुपए किलो आपको बिक रहा है, तो आपको अगर 1 किलो खरीदने हैं तो 1 किलो आप लोगे, वहां पे अगर आपको 2 किलो खरीदने हैं तो वहां पे एक माफी चाहूंगा प्लस का वहां पे एक साइन होता है, उस प्लस के साइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो एक जो है वो 2 बन जाएगा, है ना, मतलब आप 2 किलो खरीद रहे हो। और ज्यादा खरीदने हैं तो आपको प्लस के आइटम के ऊपर क्लिक करो और बढ़ जाएगा, वहां पे फिर माइनस करने का भी ऑप्शन होता है। तो ये सारी जो है एक तरीके से फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के द्वारा, राइट। तो ये फंक्शन जो है उनके हैं जिसके थ्रू एक बिजनेस जो है चलता है। अगला पॉइंट है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। अगला जो तीसरा जो उनका काम होता है वो होता है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का, जो भी आप चीजें खरीद रहे हो उसको आपको आप जाकर जाकर के जब खरीदोगे तो आप ट्रांजेक्शन करोगे, और जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उनको प्रोसेस करने का काम जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स का होता है,
ठीक ना। सो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इंक्लूड्स चेकिंग इन चेकिंग आउट प्रोसेस शॉपर्स इनिशिएट ऑन वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन, है ना। तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में जो है ये सारी चीजें आएंगी, चेकिंग इन चेकिंग आउट, जो भी लोग पसंद कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहते हैं वो सारी चीजें आप उनके वेबसाइट पर जाकर के वो खरीदते हैं, अपने मोबाइल के थ्रू वो लोग करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म परफॉर्म्स नेसेसरी कैलकुलेशन सच एज नंबर ऑफ आइटम्स, वॉल्यूम, डिस्काउंट, टैक्स एंड शिपिंग कॉस्ट। तो ये जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग है ये बहुत सारे काम को एक साथ करता है। जब आप अपने प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए यू नो रिक्वेस्ट डालते हैं किसी भी वेबसाइट पे, आई मीन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये नेसेसरी जो कैलकुलेशन है उसको वो करता है कि कितने आइटम आपने खरीदी, उनका क्या वॉल्यूम था, कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है, कितना टैक्स आपको पे करना है, शिपिंग कॉस्ट कितना रुपया लगेगा, 40 रुपए, 80 रुपए, इस तरीके से वो सारी की सारी चीजें जो है प्रोसेस करता है ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर फटाफट। और उसके बाद जो है आप पेमेंट को करते हो। व्हेन ऑर्डर इज प्लेस, जब आप ऑर्डर को प्लेस कर देते हो एंड कस्टमर चेक्स आउट, और कस्टमर चेक्स आउट करके वो एक तरीके से पैसा पेमेंट कर देता है, द ट्रांजेक्शन प्रोसेस एंटर्स द नेक्स्ट स्टेज वेयर सिक्योर कम्युनिकेशन कॉशन स्टेट फ्रॉम बायर टू सेलर फॉर नेसेसरी ट्रांजेक्शन। जब आप अगले स्टेज में जाते हो तो एक तरीके से एक सिक्योर कम्युनिकेशन का ऑप्शन खुलता है जो कि बायर और सेलर के बीच में खुलता है, राइट, जहां पे आपको अपने बैंक के डिटेल्स डालने पड़ते हैं और आप अपना पेमेंट आप कर पाते हो। ट्रांजेक्शन प्रोसेस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ऑनलाइन सेल्स। ट्रांजेक्शन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ऑनलाइन सेल का, राइट। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज ऑलवेज अ टिपिकल पार्ट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत ही एक टिपिकल पार्ट होती है ऑनलाइन बिजनेस की। वंस ऑर्डर इज प्लेस्ड then the responsibility and moral duty of the seller is towards the customer to provide secure, effective and in time communication for the delivery of goods and services with feedback, है ना। तो ये फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराई जाती है। जब आप अपना पूरा ऑर्डर को प्लेस कर देते हो तो एक तरीके से आपका यू नो मोरल ड्यूटी बन जाता है कि सेलर जो है ना वो जो कस्टमर सर्विस है वो उनको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे, सेलर को कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करे कि उनका प्रोडक्ट जो है कब तक उनके घर पे पहुंचेगा एंड किस क्या क्या यू नो चीजें आपको मिलेंगी उस प्रोडक्ट के अंदर में, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, और साथ ही साथ वो आपसे यू नो फीडबैक भी मांगता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे पास से परचेस करने का। आप एग्जाम्पल ले लो जब यू नो अमेजन का, अमेजन पर जब आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो चेकआउट करते हो तो वहाँ एक डिलीवरी टाइम दिखाता है ना कि इस टाइम पे मैं आकर के आपको डिलीवर करूंगा, 2 दिन 7 दिन का समय लेते हैं वो लोग और इस टाइम से उस टाइम के बीच में मैं डिलीवर करूंगा। फिर आपको फीडबैक का भी ऑप्शन देता है कि आप अपना फीडबैक दो आपको कैसा लगा हमारे साथ शॉपिंग करके। तो ये सारी चीजें जो है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के तहत आएंगी, राइट, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट क्या बताऊँ फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर दैट दे परफॉर्म थ्रू देयर प्लेटफॉर्म्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।